समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, बिना समझ ही रा जन्म यूं ही बीता जात, बिना समझ ही रा जन्म निकालूं मैं इसका। मैं तो तुम लोगों को समझा समझा कर थक गया हूं। एक तो तुम लोगों के मर्द दारू पीते हैं, ऊपर से तुम उनकी पूजा करती हो और फिर समस्याएं ले लेकर मेरे पास आ जाती हो। अगर वक्त रहते कुछ ना किया गया मुखिया जी, तो ये चंदिया गांव नर्क बन जाएगा। नर्क बन क्या जाएगा, और क्या कसर बाकी है? रात हुई नहीं कि घरों में मारपीट लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा जुल्म इन औरतों पे होता है मुखिया जी। अरे तो इसमें नई बात क्या है, ये तो हमेशा ही होता आया है। मुझे समझ में नहीं आता कि औरतें जुल्म सहती क्यों हैं? वो अपने मर्दों को रोक नहीं सकती क्या? कैसे रोके मुखिया जी? अरे तो मुकाबला करो बस, यही तो औरतों में कमजोरी है कि पति शराबी है,
जुआरी है, लेकिन उसकी पूजा करती रहती। हमारे पूजा छोड़ने से क्या होगा? क्या वो हम पर जुलम करना छोड़ देंगे? अरे कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि वो भगवान नहीं है। हाँ बात तो आप ठीक ही कह रहे हो मुखिया जी, पर औरतों को जगाने में कुछ वक्त तो लगेगा। जगाने में नहीं, जागने में। औरतों को खुद जागना है। क्या आपके पास और कोई उपाय नहीं है जिससे लोग शराब न पिए? पहली बात तो ये है कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अगर होता भी तो मैं देता नहीं, क्योंकि औरतों को खुद जागना है। और फिर क्या कानून हाथ में ले लें? शराब की दुकान है, बकायदा लाइसेंस है उसके पास। अब दुकान है तो ग्राहक भी आएंगे। ये सबका निजी मामला, मैं दखल कैसे दे सकता हूँ? क्या मैं हर एक के आगे जाकर हाथ जोड़ूं कि भाई शराब मत पियो? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे। बाबा मुझे माफ करो, मैं पहले भी तुम लोगों को कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ कि इन समस्याओं का हल सिर्फ तुम लोगों के पास है। हाँ, अगर तुम सब लोग इकट्ठा होकर पहल करो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अगर तुम लोग ये चाहो कि सब काम भवानी सिंह करे तो भूल जाइए इसे, भूल जाइए इसे। आज का सबक बस इतना ही। आज औरतें कुछ कम सी आई हैं। आज सुमित्रा नहीं आई। रात को उसके मर्द ने उसे बहुत पीटा, बिचारी उठने के काबिल भी ना है। ये तो सरासर जुल्म है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे चंपा बहन, अब किस किस के खिलाफ आवाज उठाएं? कल रात बेला के आदमी ने उसकी वो दुर्गति की बताने लायक ना है। आज बेला भी क्या इसीलिए नहीं आई? बहन, रात होते ही इस चंदिया गांव में औरतों पर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। जानती हूँ, सुना है भवानी सिंह के पास कुछ लोग गए थे। हाँ बहन जी, पता है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस तो सरकार ने ही दिया है। अरे जब दुकान खुली है तो ग्राहक भी पीने आएंगे ही, हम किसी को कैसे मना कर सकते हैं भला? अब आप ही बताइए बहन जी, हम लोग क्या करें इसमें? बताऊंगी, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आते हुए तुम लोगों को कितना समय हो गया? मैं जानना चाहती हूँ कि साक्षरता का तुम लोगों पर क्या असर हुआ? बहन, हमने इतना तो सीख लिया है कि अपने हक के लिए औरतों को अपने आप लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मर्दों की दुनिया में औरतों को हक देने वाला कोई ना है। कोई ना होगा। अरे बहन, मनकी की बात सुनने में तो ठीक लागे है, पर कहीं अकेले चने से भी भार फूट सका है? हाँ चंपा बहन, ये तो ठीक कह रही है। बात अपनी जगह मनकी की भी सही है और सुमीर की भी। हमें इसके बीच कोई हल ढूंढना होगा। यार हमें तो बोनस मिल गया। मिल गया? हाँ यार, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अबे तुम्हारा लाला कंगला है यार, चल आज छोड़, आ ठेके पे चले। नहीं यार, कल नशे में बहुत गड़बड़ हो गई। मोहल्ले वालों ने आज सवेरे भी धमकाया है कि अगर तू पीकर आया तो क्या उनके बाप की पीता है क्या? नहीं यार, कल रात बीवी पर कुछ ज्यादा ही हाथ उठ गया। अबे औरत तो होती मर्द के लात घूंसे खाने के लिए, चला। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये जब से औरतों ने पढ़ना लिखना शुरू किया ना, इनका दिमाग को ज्यादा ही खराब हो गया है। मैंने तो अपनी औरत से कह दिया मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, वरना चला छोड़। ठीक है तू जा, मैं कल चलूंगा, पर आज नहीं। जा घुस जा चूड़ियां पहन के। दूंगा नहीं पैसे सारे, यही नहीं दूंगा। चली गई, लगता है भाग। भाग जा, भाग जा, तू भी भाग जा। कली कली दूसरी लेकर आऊंगा। ये सब साला पढ़ने का चक्कर। कहते था औरत को पढ़ना नहीं चाहिए, जाएगी पढ़ने? अरे जा जा।
उतर गया नशा, आ गए जमीन पर, लो नहा कर आओ। रात को तो बहुत बुड़बुड़ा रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ हाँ, पर तेरे इन बच्चों को सब याद है। अरे तुझसे नफरत करते हैं, नफरत। शाम होते ही कहते हैं माँ कहीं भाग चलो, बाबू आता होगा शराब पीकर। अरे तेरी शक्ल तो उन्हें राक्षस जैसी लगती है, राक्षस जैसी। ठीक है, अब नहीं पीऊंगा। हाँ, रोज यही कहता है और शाम को फिर पीकर आ जाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि जो कमाता है वो मेरे हाथ में ला कर रख दे। कभी ये नहीं कहा सावित्री तेरे बच्चे के कपड़े फट गए हैं, ये ले पैसे और नए कपड़े खरीद कर उनको पहना दे। अरे शादी के इतना समय हो गया है, कभी तूने ये नहीं कहा सावित्री तेरी साड़ी फट गई है, ले ले मैं तुझे रुपए देता हूँ। सारा पैसा तो तू उसमें बहा देता है दारू पीने में, और यहाँ आ जाता है हमारे पास शेर बनकर। अच्छा, अब की बार मैं तुझे पैसे दूंगा, तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। अरे रहने दे रहने दे, बहुत सुन चुकी मैं तेरे वादे। शाम होती रही है तू पी कर आ जाता है। पर एक बात मैं बता रही हूँ, मैं ये देख मैं पढ़ने लग गई हूँ पढ़ने। तेरे जुलम ना सहने की ताकत आ गई है मुझमें। मैं तो कहती हूँ हर औरत को पढ़ना चाहिए, ताकि वो मर्दों के जुलम ना सह पाए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अच्छा बाबा, अब माफ भी कर। छोड़, एक बात सुन ले, एक बात कह रही हूँ मैं तुझसे, जब भी तू पिएगा ना मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। हाँ, तू जहां पिएगा ना वहीं तू रोटी खा के आ जाना। जिंदगी खराब हो गई है। अच्छा बाबा, अब मैं नहीं पीऊंगा। अरे छोड़ ना मुझे, क्या मिला मुझे शादी करके साला। और हाँ, फिर मैंने कहा अब से तू रात की रोटी वहीं खा के आना जहां तू दारू पीता है, कल से तुझे घर का दिया बुझा ही मिलेगा। चंपा बहन, कल आपने हम लोगों से पूछा था ना कि साक्षर बनके तुम लोगों में क्या बदलाव आया, तो हिम्मत करके कल मैंने ये किया। शाबाश सावित्री, तुमने अपनी समस्या का मुकाबला बहुत साहस से किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साक्षरता का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें उससे नौकरी मिल जाएगी। दरअसल इसका मतलब ये होता है लोग अपना अच्छा बुरा समझने के साथ साथ अपने अंदर की ताकत, अपना विवेक जगाएं। एक मिनट चंपा बहन, पति परमेश्वर होता है भारतीय नारी के लिए, और जब उसको डोली में बिठाया जाता है तो उससे कहा जाता है कि सास ससुर और पति की सेवा करना। वो पति के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती है, तो फिर ये सारे आदर्श कहाँ रह जाएंगे। हाँ बहन, जमाना बदल गया है, अब औरत किसी भी तरह मर्द से कम नहीं है। और फिर साक्षर बनकर हम लोगों ने यही तो सीखा है। और फिर जब कोई मर्द औरत पर अत्याचार करता है तो वो पति परमेश्वर नहीं राक्षस नजर आता है, और उस समय इन बातों का कोई महत्व नहीं रहता। और फिर अगर साक्षर बनकर हम लोग अपने जीने अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखे, तो इससे तो अच्छा था कि हम अनपढ़ गंवार रहते और अपने पति का जुर्म सहते। ये बात तो ठीक है। चलो आज मैं तुम लोगों की किताब से तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार कबूतरों का झुंड ऊपर आकाश में उड़ा चला जा रहा था। ऊपर से उन्होंने देखा कि नीचे अनाज के ढेर सारे दाने बिखरे हुए। कबूतर भूखे थे, सारे के सारे नीचे आ गए और दाने चुगने लगे। अब उन्हें ही क्या पता था कि वो दाने किसी भैले ने उन्हें फंसाने के लिए डाले। जैसे ही सारे कबूतर दाने चुगने लगे, भैले ने जाल की रस्सी खींच ली और वे सारे के सारे उस जाल में फंस गए। अब क्या हो, सारे के सारे ये सोचने लगे कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तब एक बूढ़े कबूतर ने कहा कि अगर हम अपनी पूरी ताकत से सब मिलकर जोर लगाकर इस जाल को ले उड़े और दूर किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाए, अब जाल तो पेड़ पर फंस जाएगा और हम सारे के सारे आजाद हो जाएंगे। अब ये बात सारे कबूतरों को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने वैसे ही किया, सब मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस जाल को ले उड़े और पेड़ पर जाकर उन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया। तो इस कहानी ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम कोई भी कार्य अपनी पूरी ताकत से सब मिलकर जोर लगाकर करें तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी हटा सकते हैं।
ये कहानी मैंने किसी खास कारणवश सुनाई है। बहनों एक कहावत है, थोड़ा कहना और ज्यादा समझना। चंपा बहन को हमें ये कहानी सुनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि हमें गांव से शराब को हटाना है। और फिर इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है, और अब हम सबको भी एकजुट होकर शराब बंदी के लिए काम करना है। और वैसे भी भवानी सिंह जी ने कहा था, ग्राहक तभी आएंगे जब दुकान होगी। बिल्कुल ठीक, ना दुकान होगी ना ग्राहक आएंगे। अजी मैं तो कहती हूँ कि हम सारी औरतों को एकजुट होकर इस शराब की दुकान को बंद कराने का आंदोलन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें अपने इस चंदिया गांव को नरक बनने से बचाना है, और इसके लिए हमने कुछ शराब विरोधी नारों की तख्तियां भी बना ली है। साक्षरता का पाठ पढ़ने वाली बहनों उठो और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो। अरे शराब अभिशाप है, हम सबको मिलकर शराब की दुकान बंद करवानी चाहिए। मेरे साथ मिलकर बोलो, महिला एकता जिंदाबाद, साक्षरता आंदोलन जिंदाबाद, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, शराब का नाश करो, नाश करो। चलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नाश हो, नाश हो, नाश हो, नाश हो। ठेके का माली, हाय हाय, ठेके का माली, हाय हाय, महिला एकता जिंदाबाद, सुन लो, चंदिया गांव में शराब बेचना बंद कर दो। आज हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, यदि कल फिर दुकान खोली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? हम लोग कल फिर आएंगे। चलो बहनों, चलो, हाँ हाँ तुम जाओ, हम तुम्हारा काम कर देंगे। सरकारी मिठाई? अरे इसे मंदिर में दे दो भाई, कुछ धर्म कर्म का भी काम कर लिया करो कभी कभी। अच्छा सरकार। नमस्कार दीन बंधु जी। अरे किशन लाल जी, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं, अब बैठिए ना। अब क्या बैठे हैं सरकार, ये गांव तो रहने लायक रहा नहीं, और इस ससुरे साक्षरता अभियान ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान? इन औरतों ने तो दुकान पर धरना दे दिया और कहती है कि ठेका बंद करो। अगर इन्हें कुछ कहो तो ससुरी ऐसे जवाब देती है कि बस अब तो लगता है कि हमें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। बस इतने में घबरा गए? अरे भाई प्रजातंत्र है, ऐसे कितने आंदोलन रोज होते रहते हैं। लेकिन जब शराब बेचने का लाइसेंस मेरे पास है तो दुकान बंद करवाना तो गैरकानूनी हुआ ना। तो तुम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो कि दुकान में तोड़फोड़ का खतरा है। बल्कि ऐसा करो, दरोगा को मैं कह देता हूं, तुम जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दो कि उन लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ कर दी। क्या कह रहे हैं आप, ऐसा ना हो कि आग और भड़क जाए और पता चले कि उन्होंने वाकई तोड़फोड़ कर दी। अरे तो हम किस लिए बैठे हैं भाई, भड़की हुई आग को बुझाना ही तो हम लोगों का काम है, हम पहुंच जाएंगे, तुम जाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है, अब सब आप पर ही निर्भर करता है। महिला एकता जिंदाबाद, शराब की दुकान बंद करो, शराब की दुकान बंद करो। सुनो सुनो, हमें ऊपर से हुक्म है कि आप लोगों को यहाँ से हटाया जाए। पहले दुकान पर ताला लगाओ तब हम लोग हटेंगे यहाँ से। हाँ मुझे दुकान बंद करने का हुक्म नहीं है, आप लोगों को हटाने का हुक्म है। हवलदार पढ़ाओ इन्हें। आप लोग घर चलो। खबरदार खबरदार, अगर औरतों को हाथ लगाया तो जाओ पहले औरतों की पुलिस लेकर आओ। हाँ हाँ पहले औरतों की पुलिस लो फिर हमें हाथ लगाना। भाई ये लोग तो बहुत शराफत से पेश आ रही है, और गांव में कोई महिला पुलिस भी नहीं है। चलो थाने चलते हैं और वहाँ से महिला पुलिस भेजते हैं।
शराब की दुकान बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो। अरे चुप क्या करा रहे हो, हम तुमसे डरते नहीं है, हम ये शराब की दुकान बंद करवा के ही रहेंगे। क्यों? हाँ। 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 बिना पीटे बाजे होगे तुम लोग। किससे बात कर रहे हैं? तमीज से बात कर। ए, बड़ा नेता बनने का शौक चढ़ा है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो किशन लाल? दो आदमियों के सर फट गए, तुमने मरवा दिया किशन लाल। खैर देखो, अब मैं जो कह रहा हूं वही करो। तुम पुलिस में यही बयान देना कि जिन लोगों से औरतों की मारपीट हुई वो दूसरे गांव के थे, ठीक है? और यह भी कहना कि पहला हमला औरतों ने किया था और यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, यही बयान देना तुम। लेकिन हमारी कोई सुने तब ना। अरे हमें तो यहां तक पता चला है कि अखबार वाले और फोटोग्राफर आ रहे हैं कल यहां, और तो और जाने सच है कि नहीं, सारी खबर कलेक्टर साहब को पहुंच चुकी है। तो क्या होगा? अरे मैं शाम को आऊंगा ना, सबको समझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे लिए तो हमारे कलेक्टर आप ही हैं, वक्त पर पहुंच जाइएगा। हाँ पहुंच जाऊंगा। देखो तुम हमारा ख्याल ऐसे ही रखते रहो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और वो जो प्रेस वाले और फोटोग्राफर आ रहे हैं ना, उनकी खातिर वातिर का इंतजाम कर लेना। उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो सब इंतजाम तो मैंने कर रखा है, बस आप वक्त पे पहुंच जाइएगा। हाँ पहुंच जाऊंगा। अच्छा सरकार, मैं चलता हूं। तो पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये शराब का ठेका बंद नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक बात है, हम ये शराब की दुकान बंद करवा कर ही दम लेंगे। अरे इस चंदिया गांव से हम शराब का नाम तक मिटा देंगे। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। शराब की ये दुकान हटाओ, हटाओ, हटाओ। हमें खबर मिली तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी चंदिया की औरतों में इतनी जागृति आ गई है। भाई बधाई हो आप लोगों को, बधाई हो। अब ऐसा है, आप लोगों ने एकता तो प्रदर्शित कर ही दी है, अब ये धरना उठा लीजिए, मैं आपकी मांगों पे पूरा विचार करूंगा। विचार करूंगा, देखूंगा, ये भाषण हमें नहीं चाहिए। अब तो चंदिया गाँव के वोट उसे ही मिलेंगे जो यहाँ नशाबंदी करेगा। देखिए मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अरे हमें आपके ये आश्वासन आश्वासन नहीं चाहिए, महिला आंदोलन शराब बंदी करा कर ही दम लेगा। तीन बंदू वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ। 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 महिला एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। मामला सुलट गया ना? अरे क्या खाक सुलट गया मामला, वो तो गनीमत थी कि मेरी इज्जत बच गई। अरे मैं कुछ देर और वहां रहता ना तो मेरी भी टोपी उछल गई थी। अब ये समझ लो किशन लाल, तुम्हारे दिन पूरे हो गए। मेरी मानो तो ये शराब के धंधे के बारे में सोचना छोड़ दो और कोई और काम देखो। दीनबंधु जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी राजनीतिक दल की चाल है, नहीं तो छोटा सा साक्षरता आंदोलन मेरे इतने बड़े ठेके को बंद करवा दे, ये बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अरे वो जब से अखबार वालों ने वो महिला आंदोलन की खबरें छापी है ना, अरे तब से सुना है कि दूसरे गांव में भी ठेकों के आगे धरने हो रहे हैं, और मैंने तो यहां तक सुना है कि एक ठेके की उन्होंने सारी बोतलें तोड़ दी और उसमें आग भी लगा दी। देखिए दीनबंधु जी, अपना तो ठेका चलना चाहिए, उसके लिए ससुरा कितना भी पैसा खर्च हो जाए, यहां तो इज्जत का सवाल है।
और फिर आपकी पहुंच तो ऊपर तक है ना। अरे पहुंच गई भाड़ में। अरे मैं कल वो जिलाधीश क्या कहते हैं वो डीएम उनसे मिला था। अरे वो सारे गांव के दौरे कर चुके हैं और फिर अपनी रिपोर्ट अब सचिवालय भेजने की तैयारी कर चुके थे वो। लेकिन आप तो जो चाहो कर सकते हो। अरे बच्चों वाली बातें करते हो तुम। अरे वहां संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही है और तुम इस साक्षरता आंदोलन को दबाकर अपना ठेका चलाने की बात कर रहे हो। मान गए आपको। अभी तक तो ये कह रहे थे कि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, और अब औरतों की एक ही घुड़की में पैतरा बदल दिया। अरे भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अरे एकता की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। अरे जब अंग्रेज देश में 200 साल शासन करने के बाद अरे वो देश छोड़ के जा सकते हैं, तो मैं तो एक मामूली सा आदमी हूं ना किशनलाल। धन्य है नेताजी आप, धन्य है। मान गए आपको। शराब की दुकान बंद करो, बंद करो। शराब की दुकान बंद करो, बंद करो। ठेके का मालिक हाय हाय। ठेके का मालिक हाय हाय। शराब की दुकान बंद करो, बंद करो। ठेके का मालिक हाय हाय। ठेके का मालिक हाय हाय। ठेके का मालिक हाय हाय। देखो बहनों देखो, महिला एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। सरकार के आदेश से शराब की ये दुकान आज से बंद की जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंपा बहन जिंदाबाद, चंपा बहन जिंदाबाद। बहनों आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, और हमें ये दिन इसलिए देखने को मिला क्योंकि हम लोग साक्षर बने। हमने पढ़ना लिखना सीखा, हमने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, और हमें साक्षर बनाने वाली चंपा बहन आज हमारे साथ है। इसलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। चंपा बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद। पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात। बिना समझ हीरा जन्म यूं ही बीता जात, बिना समझ हीरा जन्म यूं ही बीता जात, जब समझो तब ही भला जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात।